अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे कुनाफा। ये बहुत ही फेमस अरेबिक स्वीट है। आज मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी देने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक कप पानी लेंगे। पानी हम एक सॉस पैन में डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें गुलाब का पानी शामिल करेंगे, जिसे गुलाब जल या फिर आके गुलाब भी कहते हैं। एक टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे उबाल आने में और इसे गाढ़ा होने में। इसे हम इतना गाढ़ा करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। जैसे कि शहद की कंसिस्टेंसी होती है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। यह आप देख सकती हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें आधा टीस्पून हम लेमन जूस शामिल करके इसे साइड पर रखेंगे। ये कुनाफा डो है, ये आप देख सकती हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये 500 ग्राम्स का एक पैकेट है, जिसका मैं आधा यूज़ करूँगी। तकरीबन 250 ग्राम्स मैं यहाँ पे कुनाफा डो का यूज़ करूँगी। कुनाफा डो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान में या फिर इंडिया में ना मिले, और जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं शायद वहाँ भी ना मिले। तो मैं आपको इसका एक दूसरा ऑप्शन दूंगी। इसके अलावा आप फेनी सेवैया, जिसे फेनी सेवैया भी कोई कहता है, और या फिर फेनी सेवैया जो कि लोकली एशियन स्टोर्स में आसानी से मिल जाता है, पाकिस्तान और इंडिया में बेकरीज़ पर भी मिल जाता है, तो आप वो भी 250 ग्राम यूज़ कर सकती हैं। ये मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये भी आप यूज़ कर सकती हैं, ये फेनी सेवैया भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकती हैं, जो कि कुक्ड होती हैं ऑलरेडी। इस तरह करके हम इसे शेड करेंगे, एक बॉल में डालेंगे। आप हाथ की मदद से या फिर किचन सीजर की मदद से इसे कट कर लें, छोटा छोटा कर लें। हाथों की मदद से भी आप कर सकती हैं, किचन सीजर की मदद से भी आप कर सकती हैं। इस तरह करके हम इसे छोटा छोटा कर लेंगे। सारा डो हमने यहाँ पे छोटा छोटा करके इस तरह करके रख लिया है। अब हम इसमें पिघला हुआ मक्खन ऐड करेंगे। पिघला हुआ मक्खन हम इसमें तकरीबन 165 ग्राम ऐड करेंगे, यानी कि एक पूरा जो स्टिक होता है वो, और साथ में उसका आधा वाला 1.5 स्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसमें। अब हमें एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें हम बटर यानी कि मक्खन लगाएंगे। इस तरह करके 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें मक्खन लगा रही हूँ। इसके ऊपर ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से इस तरह करके आप फैला के लगा लें। पिघला हुआ मक्खन है, इजीली लग जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे यूज़ करूँगी। और इसके बाद जो हमने डो बना के रखा हुआ था, तो इस तरह करके हम इसे प्रेस करते हुए लगाते जाएंगे। उसमें से आधा डो हम लेंगे, आधा डो हम इस तरह लगाएंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसे प्रेस करते जाएंगे। साइड से भी इसे शेप देते जाएंगे। अब इसकी स्टफिंग के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करूँगी। पहले चीज़ है, तो चीज़ आप रिकॉटा चीज़ भी ले सकती हैं, मोजरेला चीज़ भी ले सकती हैं, या फिर जो कि अरेबिक चीज़ होती है, अकावी चीज़ जिसे कहते हैं, आप वो भी ले सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अनसाल्टेड हो या फिर स्वीट स्वीट चीज़ हो, क्योंकि अगर आप इसमें सॉल्टेड यूज़ करेंगी तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही स्पॉइल हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर सॉल्टेड चीज़ हो आपके पास, तो आप इस तरह करें कि आप इसे धोकर किसी छलनी में या फिर मलमल के कपड़े में लटका के रख लें, ताकि जो इसका साल्ट वगैरह हो ये अच्छे से निकल जाए। तो ये रिकोटा चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, अनसाल्टेड है। ये तकरीबन 200 ग्राम मैं यूज़ करूँगी।
साथ ही मैं इसमें थिक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकती हैं। खोए बनाने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसकी स्टफिंग हम इस तरह इसके ऊपर करेंगे। साइडों पर आपने नहीं लगाना, बस बीच बीच में इस तरह करके इसे लगाते जाना है। चम्मच की मदद से आपने इसे प्लान करते जाना है। और अब हम इसके ऊपर जो बाकी का मिक्सचर रह गया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह करके साइडों से साइड से और ऊपर से हम इसे कवर कर लेंगे। साइड से भी हमने इसे कवर कर लिया है, ऊपर से भी कवर कर लिया है। और इस तरह करके एक वुडन स्पून लेंगे और इसे हम अच्छे से शेप देंगे। अब हम इसे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में। बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाता है, बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाता है। थोड़ा सा आप इसे साइडों से उठा के देख लें, साइड से उठा के आपने इस तरह करके या तो आप देख लें या फिर अगर आप इसके साइड्स महसूस करें कि ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो अब हम इसे फ्लिप करेंगे, यानी अब हम इसे पलट देंगे। इस तरह कोई प्लेट रखें इसके ऊपर, कोई सीधा प्लेट रखें इसके ऊपर और इसे एकदम से फ्लिप करें, यानी कि टर्न कर दें। जो फ्राइंग पैन है इसे हम फिर से 1 टेबल स्पून मक्खन के साथ इस तरह करके ग्रीस करेंगे और जो प्लेट में हमने कुनाफा टर्न किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। साइड से आप इस तरह करके इसे फिर से शेप दे दें और इसे हम मीडियम हीट पर कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इसे कुक होने में। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमने मिक्सचर बनाया था, शीरा जो हमने बनाया था, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। अब हम इसे गरम गरम प्लेट में निकालेंगे। इस तरह करके हमने इसे सारे का सारा इस तरह आराम से एहतियात से प्लेट में निकाल लेना है। और अब हम इसे चॉप किए हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे। चॉप किए हुए पिस्ते इसके ऊपर अच्छे से हमने लगा लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये आप देख सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस हमारा कुनाफा तैयार है। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं और वेरिएशंस भी दी हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें अवेलेबल हो तो आप उससे बनाकर देखिए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त ये कुनाफा तैयार होगा। ये आप देख सकती हैं इसकी फिलिंग और इसके जो ऊपर का क्रस्ट है बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर इसकी फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।